वर्ड्स मैटर्स। यस, हम सबके लाइफ में वर्ड्स बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक रिसर्च में पाया गया था कि 3 प्लांट लिया गया था मटर की, और 3 को एक ही तरह की पानी, एक ही तरह की मिट्टी, एक ही तरह की धूप, सब कुछ सेम टू सेम, एक ही तरह की एनवायरनमेंट, सब कुछ रखा गया। एंड पहले वाले को बहुत अच्छा वर्ड बोला गया कि तुम अच्छे ग्रो कर लो, तुम में कुछ बात है, तुम बहुत अच्छे फल लोगे। सेकंड वाले को कुछ नहीं बोला गया, उसको देखा चला गया। थर्ड वाले को नेगेटिव वर्ड बोला गया, कहा इतना दिन में इतना भरा है, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला गया। आफ्टर 90 डेज यू नो व्हाट हैपेंड, जो पॉजिटिव वाला वर्ड बोला जा रहा था, जिसको फर्स्ट वाला, वो बहुत ग्रो कर रहा था, उसमें बहुत मटर फल रहे थे। जो सेकंड वाला था उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही। और थर्ड वाला वो मुरझा चुका था। सो एक प्लांट को आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, उससे उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, तो आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कुछ बोलते हो, कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा। हाँ वो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है तो बता रहे हो, लेकिन पहली बार में बता दो ऐसी बुरी आदत के साथ, बुरी तरीके से, ठीक नहीं। हाँ बहुत बार कर रहे हैं, फिर गुस्सा हो गए, फिर कुछ बोल दिया, ठीक है, फिर भी थोड़ा लाइटली बताओ कि आप ऐसे मत बताओ कि क्यों किए, आप ये बताओ कैसे इसको सॉल्व करें, अगर गलती हो जाए कुछ कैसे इसको सॉल्व करें। मेरे को किसी ने पूछा, अगर अपना कोई कुछ गलत जगह पहुंचा दे गलती से, तो उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, तो मैंने बोला कि चलो हो गया, अब गुस्सा करके टाइम वेस्ट करके क्या होगा, गलत जगह पहुंच गया, अब नया बस पकड़ो, नया ट्रेन पकड़ो, नया कुछ भी पकड़ना है, टैक्सी पकड़ो, पकड़ के सही जगह जाओ। और बोलो अरे पागल, लेकिन उस मोमेंट में मत करो, जब गलती किया है उस मोमेंट में मत करो, पहले गलती को सुधार लो, फिर उसको डांट लो, पहले गलती सुधार लो, क्योंकि वो गलती से इफेक्टेड है पहले ही, उसको खुद से भी बुरा लग रहा है कि मैंने गलती किया है, तब आप उसको डांट ही दो, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा, एक तो नेगेटिव है डाटा भी, और भी नेगेटिव हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका वर्ड्स कैसे होते हैं वो मैटर। हाँ मैं अभी कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ किसी किसी चीज़ में, हर किसी का थोड़ा थोड़ा रहता है, मैं मोटिवेशन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा 100% मोटिवेटेड हूँ, थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी सब में रहता है, और नेगेटिविटी जानना भी अच्छी बात है कि आप अगर कुछ नेगेटिव जानोगे ही नहीं और आप कुछ गलतियां कर दोगे, नेगेटिव चीज कर दोगे, और अरे मैंने कुछ गलती किया ही नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था, ये तो बहुत बुरी चीज है ना, आपको आपके गलतियों का पता ही नहीं चलेगा, तो फायदा क्या। तो नेगेटिव तो जानना चाहिए, जानना तो सबको चाहिए, मेरे को बहुत नेगेटिव पता है, इसलिए मैं इतना पॉजिटिव बता सकता हूँ कि इसको कैसे डील कर सकता है, मेरे को ज्यादा ही पता है आप लोगों से शायद। मैटर करता है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हो। और हाँ भाई, आप अगर अपनी गलतियों को मानोगे नहीं, तब कभी भी आप उसको सुधार नहीं पाओगे। लाइक आपने किसी गलती की है, आपने कांच तोड़ दिया है, मतलब कार का एक ग्लास तोड़ दिया है, वो साइड में रखा था, आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरे बेटे ने इधर रख के गया था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मम्मी ने इधर रख के गया था, मैंने कुछ नहीं। अपने गलतियां तो मान लो, मान लो हाँ आपकी गलती हो गई कि नहीं, शायद की धक्का लग के गिर गया, धक्का तो अब से ही लग गया ना, तो मान लो अब से कुछ बोलने से पहले एक रूल ले, सैंडविच रूल, लाइक आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, आप किसको फीडबैक दे रहे हो, ऊपर वाला सैंडविच है आपका कुछ गुड वर्ड्स, बीच में वो क्या गलती किया है उसको कैसे सुधार सकता है, लास्ट में काम अच्छे कर रहे हो, और एक सैंडविच, दो गुड वर्ड्स, बीच में एक सजेशन। लाइक किसी ने एग्जाम बुरा दिया है, ओके तो तुमने बेटा अच्छा ही पढ़ाई किया था, सैंडविच,
लेकिन और थोड़ा पढ़ लेते और थोड़ा अलग अलग बुक्स पढ़ लेते तो अच्छा होता। एक सजेशन, अपना ठीक है अगली बार अच्छे से बहुत अच्छा कर लेना। और एक सैंडविच हो गया, सैंडविच हो। अब बताओ अगर मैं ऐसा होता यार अच्छा नहीं करता, और थोड़ा अच्छे से बनाओ, डायरेक्ट ऐसे बोल दो थोड़ा तो लगता ना। और आप उसको सैंडविच लगा रहे हो, एक दो ब्रेड लगा रहे हो बेटा, आप पढ़ते तो ठीक ठाक ही हो लास्ट में। ओके अगली बार अच्छे से और अच्छे से करना और अच्छा चाहिए, उनको एक हौसला मिलेगा कि नहीं अगली बार तो अच्छा करना ही है, इनको तो इम्प्रेस करना है, ये अंकल आंटी को तो इम्प्रेस करना है, मम्मी पापा को तो इम्प्रेस करना है। आप भी एक एक करके कमेंट करना है ऐसा सैंडविच हो। ओके चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। 49 वीडियो है खत्म होने वाले और एक बात उसका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।